रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में। दोस्तों बॉलीवुड से एक अपडेट आ रहा है। सुपरस्टार सलमान खान के बारे में खबर है कि वह रेस 3 के रिलीज के बाद 2 हफ्ते के दबंग टूर पर खाना होंगे। इस बार टूर का नाम होगा दबंग द टूर रिलोडेड। टूर अमेरिका के लिए जाएगा और इस बार सलमान के साथ उनकी लीडिंग लेडीज यानी कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, सोनाक्षी सिन्हा और डेजी शाह भी मौजूद रहेंगे। खबरों की माने तो कैटरीना को सभी एक्ट्रेस से ज्यादा फीस मिली है। डीएनए ने अपनी एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से जाहिर किया है कि इन सभी में सलमान के बाद कैटरीना ही सबसे बड़ी स्टार हैं, साथ ही वह एक शानदार डांसर भी हैं। उनका फाइनल सोलो एक्ट सभी को चौंका देगा। इस टूर के लिए करीना को करीब 12 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वहीं जैकलिन और सोनाक्षी को 6 से 8 करोड़ रुपए के आसपास दिया जाएगा। जहां तक दोनों के बीच फर्क की बात है तो जैकलिन को सोनाक्षी से थोड़ा ज्यादा पैसा मिलने की उम्मीद है। जानकारी के मुताबिक कैटरीना को उनकी परफॉर्मेंस के लिए ज्यादा पैसे इसलिए भी ऑफर किए जा रहे हैं क्योंकि उनके गानों की संख्या भी ज्यादा है और उनके गाने हिट हैं। एक्ट्रेस के अलावा एक्ट्रेस की बात करें तो इस टूर पर प्रभुदेवा, मनीष पॉल और गुरु रंधावा भी सलमान के साथ रहेंगे। जाहिर है इस टूर को पिछले टूर से बेहतर बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बॉलीवुड तड़का बॉलीवुड की न्यूज आपको पसंद आई होगी। प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जो भी आपके कमेंट्स है वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। थैंक यू सो मच। रोजाना देखने के लिए डू इट योरसेल्फ लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स टेक वीडियो सब्सक्राइब करें टेक्निकल ई गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले देखने के लिए केवल हिंदी में।